कौन है साइम चोर शक्का? अबे ओ, ये चोर चोर की क्या रेट लगाई हुई है? सुसर हूं मैं इसका। तू कहां से खाला बनने जा रही है? ए, तेरी बहन का तो निकाह भी नहीं हुआ था, और ये बच्चा? जब इसके बाप ने इससे 25,000 मांगे थे, उसने मना कर दिया, तो उसने धमकी दी थी कि वो किसी भी तरीके से उन पैसों को वसूल कर लेगा। मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा। आप आए ना बैठे। मैं यहां बैठे तुमसे दो टोक बात करने आए। जी सुन रही हूं। क्या चाहती हो? मैं क्या चाहूंगी साहब? अगर तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को यह लगता है कि यह घर और 50 लाख की रकम लिखवा के तुमने यहां रहने की श्योरिटी बना दी है, वैसा नहीं है सर। तुम्हारे यहां रहने की एक ही वजह है, मेरा बच्चा। भले निकाह के वक्त जबरदस्ती तुमने यह घर अपने नाम लिखवा लिया, लेकिन अगर मैं वाकई चाहूं ना तो कानूनी राह निकाल के इस भंवर से निकल भी सकता हूं। लेकिन इससे बात फैलेगी और मैं पहले ही बहुत बदनामी उठा चुका हूं। ये घर मेरे बाप की निशानी है और ना ही इसे मैं बेचूंगा और ना ही इसे तुम्हारे या किसी और के नाम पे ट्रांसफर करूंगा। सुना? इसलिए 50 लाख के अलावा जो भी रकम तुम इस घर की लगाना चाहती हो लगाओ और भूल जाओ सब कुछ। कहीं सी बातें पूछता है ये दिल, कैसे करूं मैं ये बयान, दर्द दिया क्यों ऐ खुदा तूने, दे दे अब इसकी तू दवा। मैंने ये जाना मेरे खुदा, मैं हर चीज इग्नोर कर सकता हूँ सवाल। मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा। इतने सारे पैसे दे दिए तूने, मेरा जरा भी ख्याल ना आया। इतने पैसों में तो मेरा एक एसी भी आ जाता। ये क्या ऐसी एसी की रट लगा रखी तूने? पीछे ही पड़ गई तू एसी के? अम्मा बड़ी है इस घर की, उसका हक तेरे से पहले आता है। इस बात को अपने दिमाग में बिठाएगी ना तो तेरे लिए बेहतर ही होगा। सारा हक उसका और मेरा क्या, जिसको तू इस घर में लेकर आया है? तेरा सारा खाना पीना मैं करूँ और तू सारे पैसे उसके हाथ में? बकवास बंद कर अपनी। ये मेरी माँ ही है जिसकी वजह से तू यहाँ बैठी है आज। अम्मा ठीक ही कहती, तेरी जबान ना तेरे हाथों से ज्यादा चलती है। उठा के लेके जाए खाना। तेरी माँ मेरे बारे में क्या कहती और क्या नहीं, इससे मुझे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन अगर तू मेरा हक उठा के किसी और को दे देगा ना, तो मुझे अपना हक छीनना भी आता और मांगना भी। बता देना अपनी माँ को और अब खा ले ये खाना, मेरे मुंह मत लगना आइंदा। ये चेक
ये घर और 50 लाख रुपए मैं आपके सर से वार के फेंक सकती हूँ साईं। और अगर आप वाकई मुझे कुछ देना चाहते हैं ना, तो अपना आप दे दें। मैं नहीं जानती कि आपने कभी मुझसे मोहब्बत की या नहीं, लेकिन मैंने मैंने सच्चे दिल से आपसे मोहब्बत की। और साईं, आपने ये सोच भी कैसे लिया कि जो चीज आपके दिल के करीब हो वो मुझे अजीज नहीं होगी? मैंने अब्बा से साफ साफ कह दिया कि आज के बाद इस घर पे नजर ना डाले, क्योंकि ये घर सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आज से इस घर की मेरी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये आपके अब्बा की आखिरी निशानी है। और रही मुझे ये रकम देने की बात, तो अगर आप वाकई मुझे कुछ देना चाहते हैं ना, तो अपनी मोहब्बत दे दें। मैं अपनी आखिरी सांस तक आपकी मोहब्बत का इंतजार कर सकती हूँ साईं। ये पैसे, ये घर, ये सब कुछ मेरी मोहब्बत नहीं खरीद सकती। ये रही आपके चेकबुक। साईं, मुझे आपका और आपकी मोहब्बत का हमेशा इंतजार रहेगा। सहरबा, क्या डायलॉग मारा तुमने साईं के सामने। साईं तो दंग ही रह गए होंगे। बड़ा धड़ल्ले से चेकबुक निकाल कर लाए थे, शायद मुझे चेक करना चाह रहे थे कि मैं लालच में आती हूं या नहीं। लेकिन मैंने भी जो कहा ना, भूलेंगे नहीं सारी जिंदगी। इसे अच्छा ही हुआ अब्बा की इस हरकत से मुझे खेलने का मौका मिल गया। वैसे एक बात है, अब जब भी साईं इस घर के बारे में सोचेंगे, उन्हें मेरी याद आएगी कि कैसे मैंने घर को छोड़कर उनको अहमियत दी। और सच ही है, मेरे लिए तो अहमियत साईं की ही है, क्योंकि अगर साईं मेरे होंगे तो मैं ऐसे 10 घर खरीद सकती हूँ। लेकिन मेरी किस्मत कितनी अच्छी है ना, जाने अनजाने इन सब की दुखती रग मेरे हाथ लग गई, जो के है ये घर, उनकी आखिरी निशानी। इसका मतलब ये है कि जाने अनजाने इन सब की दुखती रग मेरे हाथों में आ गई है। सहर, अब बस ये देखना है कि कब और कैसे इनकी दुखती रग को दबाना है। बहुत मजा आने वाला है। गिन गिन के बदले लूंगी सबसे, याद करेंगे कि शहर भी क्या चीज है। दो लोगों के बीच एक खामोशी का मौहदा है, जिस एक में वफादारी ना हो तो ये मौहदा खुद ही अपने आप में खत्म हो जाता है। सिर्फ मौहदा नहीं टूटता,
उसके साथ वो एक भी टूट जाता है जिसने पूरी वफादारी से इस मुद्दे को बनाया होता है। ये घर और 50 लाख रुपए मैं आपके सर से वार के फेंक सकती हूं साईं। मीरा रूम में आई थी फिर चली क्यों गई? पूछो उससे। नहीं आएगी, जानता हूं उसे, बहुत जिद्दी है। अपनी मर्जी से गई है तो फिर अपनी मर्जी से ही आएगी। ये पैसे, ये घर, ये सब कुछ मेरी मोहब्बत नहीं खरीद सकती। हमजा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अम्मी कह रही थी कि ये क्या हर वक्त तुम फोन पे चिपटे रहते हो? मैं तुमसे बात में बात करता हूँ। अम्मा क्या तरीका यार, कमरे में आती है अब शुरू हो गई। देख तो ना कि मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, दूसरी तरफ आवाज आ रही है आपकी। क्या वेज बनेगा मेरा यार? मैं तुम्हें बुलाने के लिए आई थी लेकिन तुम 24 घंटे फोन के साथ ही लगे रहते हो। अम्मा मैं 24 घंटों में ऑफिस जाके काम भी करता हूँ। यही तो कह रही हूँ मैं बेटा, जब ऑफिस में मुलाकात हो जाती है, मेल मिलाप हो जाता है, तो वापस घर पे आके फोन के साथ लगने की क्या जरूरत है? अच्छा बताएं क्या काम था? काम से क्या आना है मैंने? मैं तुम्हें बुलाने के लिए आई थी। बाहर सब मेहमान बैठे हैं, हंस बोल रहे हैं, तुम भी इस फोन की जान छोड़ के अपने हुजरे से बाहर निकलो। अम्मा आप जानती है मुझे नाच गानों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप भी अपने मेहमानों को बोले कि पापा की शादी को बहुत टाइम हो चुका, अपने घर जाए और अपने घर जाके नाच गाने करें। ये बात क्या कही तुमने? ये गाना बजाना, हंसी मजाक, यही तो जिंदगी है। तुमने कभी फरा की आवाज सुनी है? कैसे कानों में रस घोलती है, नात पड़ती है तो एक सहर तारी कर देती है वो। जी जी बिल्कुल, कोई और खूबी अगर रह गई है ना फरा की तो वो भी बयान कर। देखो मेरे साथ ना ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझ गए तुम? सज्जाद भाई कई बार तुम्हारा पूछ चुके हैं, मेहमानों की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है तुम्हें। चलो बाहर चल के बैठो, उनसे बातें करो, हंसो बोलो। मुझे नहीं जाना यार, मुझे बताएं ये मेहमान कब जाएंगे आपके। सुनो तुम्हें क्या तकलीफ है उनके आने से, उन्होंने क्या ले लिया है तुम्हारा? अच्छा और आप जो रोज सुबह और शाम मुझे लिस्ट पकड़ाते रहती हैं सामान की, आपको जरा सा अंदाजा है मैं जॉब करने वाला बंदा हूँ, कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ। थोड़े दिनों के लिए मेरे भाई बहन आके यहाँ क्या रह गए, तुम तो मुझे घर का बजट बताने लगे। वाह बेटा वाह, कोई खूब कान भर रहा है तुम्हारे हमारे खिलाफ। अम्मा क्या हो गया आपको यार, कौन भरेगा मेरे कान आपके खिलाफ? वही जिससे फोन पे चिपके रहते हो हर वक्त। अम्मा नाहक इल्जाम ना लगाएं, आपको अच्छी तरह पता है कि मैं अपने फैसले खुद लेने का आदी। हमारे घर का खर्चा 20,000 रुपए है यार, जो कि इन मेहमानों की वजह से 40,000 तक पहुंच गया। आपको जरा सा एहसास है मैं ये खर्चे कहां से पूरे करूंगा? समझ गई बेटा समझ गई, दखलअंदाजी तुम्हें इतनी बुरी लगी कि अब तुम मुझे हिसाब किताब समझाने लगे। अम्मा अल्लाह का वास्ता मुझे बख्श दे, मुझे नींद आ रही है, सुबह ऑफिस भी जाना, सोना चाहता हूं। खुदा रहा, चली जाती हूँ लेकिन कौन जाने सोना है या फोन पे लगना है।
माथा ले आओ। सॉरी यार, वो अम्मी आ गई थी, तुम कहो क्या कह रही थी। इट्स ओके, कुछ भी नहीं, सुबह बात करते, रात काफी हो गई है। अरे समन तुम बोलो ना यार। सुबह बात करते हैं ना हमजा, फ्रेश होकर। अच्छा ठीक है, लेकिन बात सुनो जरा एक। बोलो। इतनी छोटी छोटी बातों पे मूड ऑफ नहीं करते, वरना हमारी खुशी की उम्र कम हो जाएगी। इट्स ओके हमजा। खैर, ख्याल रखना अपना, सुबह मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। सब ठीक है ना भाभी, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं? एवरीथिंग इज फाइन, बस थोड़ी सी वीकनेस है रूसा को, जो मैं आपको दवाइयां लिख के दी हैं, एज़ लॉन्ग एज़ शी टेक्स देम ठीक होगा सब कुछ। समझी ना, जरा सी तकलीफ हो रही थी, मेरा भाभी पास चली आई। मेरा भाभी भी टेस्ट जो है। वैसे भाभी हम आपके पास आके ना बहुत सेटिस्फाई हो जाते। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी अब इंशाल्लाह आपके घर में अच्छी न्यूज आने वाली है, और फिर आपने रूसा का और भी ख्याल रखना। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। ओह, मामा की कॉल आ रही है। अच्छा मीरा, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। भाभी एक अजीब सी उलझन में हूँ, समझ नहीं आ रहा कि कहूँ क्या ना कहूँ। कैसी उलझन? रूसा को लेके? नहीं नहीं, रूसा को लेके नहीं, मैं एक्चुअली साइम के बारे में बात करना चाह रहा था आपसे। उसके साथ कोई इशू चल रहा है क्या? मैंने सुना है कि उसने मासी से शादी कर ली है। ये बात आपने अपने बिजनेस पार्टनर से नहीं पूछी? मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन आपके तासुरात देख के लग रहा है कि ये बात सच है। वो मासी उस दिन ऑफिस में आकर उसने जो हंगामा किया है, उससे भी यही साबित होता है। भाभी ये तो साइम ने बहुत बुरा किया है, आपके साथ और हम सबके साथ, और आप यकीन करें इस वक्त ऑफिस का स्टाफ भी इस बारे में बात कर रहा है। जिस इंसान ने अपनी जिंदगी की पूंजी अपनी ख्वाहिश के सामने हार दी हो, उसे लोगों की बातों का क्या फर्क पड़ेगा? ठीक कह रही हैं, साइम से ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीदें होती कुछ ऐसी हैं, किसी ना किसी वक्त आके टूट जाती हैं। यार जल्दी से चार्जर दे दो ना, मुझे मोबाइल चार्ज करना है। तुम जब मुझे काम के वक्त डिस्टर्ब करती हो ना, तो बहुत बुरी लगती हो। अब जल्दी से मुझे वो बात बताओ जिसकी वजह से मुझे सारी रात नींद नहीं आई। हद है। बताओ ना। हमजा, तुम्हारी अम्मी को मेरा तुमसे फोन पर बात करना बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उनके बेटे को तो बहुत पसंद है। Whatever. अच्छा मेरी अम्मी ने तुम्हारे लिए एक मैसेज दिया है, वो कह रही थी कि तुम कब अपनी फैमिली को मेरी फैमिली से मिलवाओगे। यार मेरे घर से मेहमान जाए तो मैं अम्मा से बात करूँ ना, तो इसमें तो काफी टाइम लग सकता है। ये तो तुम सही कह रही हो, चलो मैं आज अम्मी से बात करता हूँ। तो तुम मुझे कब तक बताओगे? बस जैसी उनसे बात होगी फौरन आपको रिपोर्ट करूंगा मैम। Good. अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? जल्दी? 4 साल हो गए हमारे रिलेशनशिप को और तुम कह रहे हो कि जल्दी है? यार रियली 4 साल हो गए? जी हाँ, 4 साल 4 महीने और टोटल 12 दिन। अस्तग़फ़िरुल्लाह यार, तुम लड़कियों को डेट्स कितनी याद रहती हैं भाई? क्योंकि तुम लड़कों को भूलने की बहुत बड़ी बीमारी। क्या बात है, आज देर हो गई? हाँ वो मीरा भाभी के हॉस्पिटल से होके आ रहा हूँ। मीरा के हॉस्पिटल? नहीं भाईजान प्लीज, आप मुनीर से कुछ मत बोले, उन्हें लगेगा मैंने शिकायत की है आपसे। मैं समन से मोहब्बत करता हूँ, मैं और समन एक दूसरे को 4 साल से चाहते हैं, तो मैं शादी समन से ही करूँ। मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा। ये घर और 50 लाख रुपए,
मैं आपके सर से वार के फेंक सकती हूँ साहब। ये पैसे, ये घर, ये सब कुछ मेरी मोहब्बत नहीं खरीद सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज देर होगी? हाँ, वो मीरा भाभी के हॉस्पिटल से होके आ रहा हूँ। मीरा के हॉस्पिटल? खैरियत? एक्चुअली वो अरुषा का चेकअप करवाना था भाभी से, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है। अच्छा, चलो गुड। ये वो नए कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए थे, मैंने कहा रिव्यू कर लेते हैं। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? देखो सैम, तुमने जो कुछ भी किया वो तुम्हारा अपना पर्सनल मैटर है और मैं उस पर कोई कमेंट भी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि तुमने मीरा भाभी के साथ बहुत ज्यादती की है। मीरा ने तुमसे कुछ कहा? नहीं, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उनकी हालत ने खुद ही सब कुछ बता दिया मुझे। मीरा भाभी प्रेग्नेंट भी है और इन हालात में ये सब कुछ। सहन, कुछ भी करने से पहले ज्यादा नहीं थोड़ा सा सोच तो लेते। अच्छा, ये रिव्यू कर ले जरा। देखो साइन, मुझे हैरत है कि कामयाब बिजनेसमैन प्रॉफिट एंड लॉस सोचे बगैर अपने साथ पूरी फैमिली को दांव पे लगा बैठा है। वेल, मैं ये डॉक्यूमेंट चेक कर लूंगा। अस्मा, प्लीज अस्मा, संभालो अपने आप को, रोना बंद करो। भाईजान, मुझे लगता है मैं अपने उससे कट के बिल्कुल पागल हो जाऊंगी। घर की दीवारें देख देख के मुझे हॉल उठने लगे हैं। क्यों अपनों से कटने लगी हो? और एक बात याद रखना मेरी बहन, हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। भाईजान, आपसे मिलने की इजाजत नहीं, घर आने की इजाजत नहीं है, हालात कहां बदले हैं। बस अस्मा, वक्त वक्त की बात है और तुम देखना, इंशाल्लाह ये वक्त भी बहुत जल्द गुजर जाएगा। और रही मुनीर की बात, तो मुझे लगता है कि अब उससे खुल के बात करने का वक्त आ गया है। नहीं भाईजान, प्लीज आप मुनीर से कुछ मत बोले, उन्हें लगेगा मैंने शिकायत की है आपसे। तुम्हारी शिकायत किए बिना सबको साफ नजर आ रहा है कि वो बिला वजह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। अरे भाई, जब तुमने कोई गलती की ही नहीं तो दूसरे की गलती की सजा तुम क्यों भुगतोगे? हमें तो लग रहा था कि मुनीर का गुस्सा बस वक्ती है, कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, हमारा अंदाजा गलत था, इसलिए मैं कोई बहस नहीं सुनना चाहता। बस कुछ ही दिनों में अम्मी के साथ तुम्हारे यहां आ रहा हूं और मुनीर से हम खुलकर बात करेंगे। भाईजान, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। जब तक तुम्हारा बड़ा भाई जिंदा है ना, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। भाईजान, एक आप है जो मान दे रहे हैं और एक दूसरे भाई का किया धरा है जिसकी भुगतान का सामना कर रही हूं मैं। एक ही रिश्ते के कितने रंग। मेरी बहन, मैं कह रहा हूं ना, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब कुछ बेहतर कर देगा। बस भाई, अब एक अल्लाह से ही उम्मीद है, वरना लोगों ने तो जिंदगी में सिर्फ तंग करने की कसम खा रखी है। अच्छा, तुम अपना ख्याल रखना, बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। जी जी, खुदा हाफिज।
यहाँ ऐसा क्यों लेकर आए हो मुझे तुम? अम्मा मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है जो वहाँ सबके सामने नहीं हो सकती थी। कौन सी जरूरी बात? आप कल मेरे साथ चलनी है समन के घर उसका रिश्ता लेने के लिए। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैंने तुम्हारे मामू को वादा किया है फराही मेरे घर की बहू बनेगी। अम्मा मैं समन से मोहब्बत करता हूँ। अरे तो लड़के तो शादी से पहले बहुत सी लड़कियों से मोहब्बत करते हैं, फोनों में बातें करते हैं, इसका ये मतलब है कि वो हर किसी लड़की से शादी कर लेते हैं? शादी तो वही होती है जहाँ पे उनके माँ बाप की मर्जी होती है। अम्मा मैं उन नीच लड़कों में से नहीं हूँ जो दो दिन का अफेयर चला के छोड़ देते हैं लड़की को और खुद किसी और की मोहब्बत को अपना लेते हैं वालिदैन के कहने। फरा कोई चलती फिरती लड़की नहीं है, इज्जतदार लड़की है वो। अरे होगी फरा शरीफ, लेकिन मैंने समन से वादे किए हैं। अरे वादा कर लिया है तो करते रहो वादा, होगा तो वही जो मैं चाहूंगी। वो लड़की घाट घाट का पानी पीने वाली, ऑफिस में काम करने वाली, घर क्या बसाएगी? सीधी तरह से बाहर आओ, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो ये आपका आखिरी फैसला है क्या? समन के घर नहीं जा रही है? हाँ ये मेरा आखिरी फैसला है, मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। शराफत से बाहर आ जाओ, ऐसा ना हो मुझे सबके सामने तुम्हें आवाज देनी पड़े। ठीक है सही। मामा मामा जल्दी आए, मामा जोर से लगी है। मामा क्या हुआ? मामा देखिए वो वेस को चोट लग गई। क्या हुआ, गिर गए थे? मामा खेलते हुए गिर गया, बहुत जोर से लगी है। ओ अच्छा तुम जाओ जल्दी से भाई के लिए पानी लेके आओ। आ मेरा बच्चा, अभी हम अंदर जाएंगे ना तो मैं मरहम लगा दूँ, ठीक? बहुत दर्द हो रहा है। क्या बात हुई आपकी अस्मा से? सब ठीक तो है उसकी तरफ? आप अस्मा से बात करके और ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। वो बेचारी खुद इतनी परेशान है कि क्या बयान करूं। मुनीर ने उसे हमसे मिलने से या यहां आने से हर चीज पर पाबंदी लगा दी है। ये क्या कह रहे हैं आप? अस्मा का हमारे सिवा और है ही कौन यहाँ? इस तरह से तो वो कैद होके रह जाएगी। एग्जैक्टली हमसे दूर रखकर सायम की गलती की सजा वो अस्मा को दे रहा है। अजीब बात है, इतने समझदार शख्स से इस तरह की बेवकूफी की तवक्को नहीं की जा सकती। आप बात कीजिए ना मुनीर भाई से, उन्हें समझाएं। नायला जब मर्द अपने नजरियात से सवाब गुनाह को साबित करके फैसला कर लेता है ना तो फिर इंसान और फिरौन बनने में बस कुछ ही फासला रह जाता है। सही कह रहे हो, मर्द के किए की सजा हमेशा औरत को ही भुगतनी पड़ती है, वही बलि चढ़ती है, ना हक खून भी उसी का बहता है और फिर आंसू अलग उसके नसीबों में लिख दिए जाते हैं। मुनीर से बात करनी ही होगी। देखो सैम, तुमने जो कुछ भी किया वो तुम्हारा अपना पर्सनल मैटर है और मैं उस पर कोई कमेंट भी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि तुमने मीरा भाभी के साथ बहुत ज़्यादती की है। सैम कुछ भी करने से पहले ज़्यादा नहीं थोड़ा सा सोच तो लेते। ज़्यादती तो हुई है मीरा के साथ, बहुत ज़्यादा ज़्यादती,
चाहकर भी अजाला नहीं कर पा रहा। मैंने बेवफाई करके उसे अकेला छोड़ दिया। क्या मैं कभी खुद को माफ कर सकूंगा? सीमा तैयार हो गई? अरे जल्दी कर ले सीमा। माँ बस आ रही हूँ, क्या जल्दी मचाए रखती हो? आ रही है फरा भी। कल शाम से उस पे आशिकी का भूत सवार हुआ है। इससे पहले के बात हमारे हाथों से निकल जाए, हमें आज ही कुछ करना होगा। समझ गई, यानी तुम हमजा को बिना बताए उसकी मंगनी कर दोगी? बिल्कुल। लेकिन अम्मा अगर मामू नहीं माने तो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, भाई की 9 बजे की बस है और 7 बजे वो चले जाएंगे। हमजा के आने से पहले हमें सब करना होगा। हमजा देर से आएगा और हमें बहाना मिल जाएगा। वाह माँ, क्या बात है तुम्हारी। चले पप्पो। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। अम्मा चलो चलते। देर हो रही है, फिर और भी काम पड़े हैं मुझे। अरे जल्दी कर सीमा, तेरी वजह से देर होती है मुझे बस हर काम में। अरे भाई फाखरा, कहाँ जा रहे हैं सबके सब? अरे भाई साहब, इनको शॉपिंग करवाने के लिए लेकर जा रही थी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा वो कुछ पैसे रख लो। इसकी क्या जरूरत है भाई साहब? अरे रख लो। देखो मेरी ये ख्वाहिश है कि फरा को किसी चीज की कमी ना महसूस हो। इसको जो पसंद हो, ये जो चाहती है खरीदना, इसको दिला देना। अरे भाई साहब ठीक है ना, ये आपकी बच्ची नहीं, ये मेरी भी बच्ची है। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं किसी चीज की कमी नहीं छोड़ूंगी। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, ही मुझे मालूम है। अच्छा अब देर हो रही है, तुम लोग बाजार जा रहे हो, जल्दी जाओ फिर जल्दी आना। देर हो रही है, फिर मुझे वापस भी आना है, बहुत सारे काम है मुझे। वो लाइट वाले भैया देख के लगाना, कहीं करंट वरंट ना लग जाए। अभी लड़ियां भी लगानी है, वो कहाँ है? लेकर ही नहीं आए तुम तो। जी खाला। ये जवाद कहाँ रह गया? अरे जवाद, हाँ ये मिठाई के टोकर, अरे यहाँ कहाँ रख रहा है? अंदर लेकर जा। अरे सीमा कहाँ रह गई? इतने सारे काम पड़े हुए। हो गया खाला। हाँ हाँ जाओ जाओ, लड़ियां मत भूलना। अरे भाई फाखरा, वो मैं बाहर जा रहा था, कुछ सामान वगैरह मंगाना हो तो बताओ। हाँ भाई मिठाई तो आ गई है, बस आप फूल लेते हुए आइएगा। अच्छा चलो मैं लेता हूँ, ठीक है। अरे वो हमजा कब तक आएगा? हमजा वो तो 6 बजे तक आएगा ना। एक काम करो, उसको फोन करो, उससे कहो कि आज ऑफिस से जल्दी निकल आए। अच्छा घर में बहुत सारा काम पड़ा है तो जाहिर है इंतजाम संभालने हैं ना, ठीक है ना? बस मैं भी फौरन वापस आता हूँ, ठीक है? चलो ओके अल्लाह। और आप भी जल्दी आइएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे ये सीमा कहाँ रह गई है? अरे भाई फाखरा देर हो रही है, हमें निकलना भी है ना, ये बस मिस ना हो जाए। ये हमजा कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। अरे भाई साहब कहाँ होगा, छत पे ही होगा, शायद शर्मा रहा है आने से। मैं देखती हूँ। हमजा लो, हमजा भी आ गया। ले भाई साहब, हमजा भी आ गया। पहले मैं रसम करती हूँ, फरा को अंगूठी पहनाती हूँ, फिर आप पहनाइएगा, ठीक है ना? अरे जैसी तुम्हारी मर्जी। कौन सी रसम और किसकी रसम? अरे तुम्हारी रसम। मैंने और भाई साहब ने फैसला किया है कि भाई साहब के जाने से पहले तुम्हारी और फरा की मंगनी कर दी जाए। लो ये अंगूठी पहनाओ मेरी बहू को। अरे
सोच क्या रहे हो, पहनाओ ना अंगूठी। मां बेफिक्र रहे, ये रिंग तो मैं आपकी बहू को ही पहनाऊंगा। आपने बताया ना समन के बारे में कि मैं समन से मोहब्बत करता हूँ और ये रिंग उसे ही पहनाऊंगा। फाखरा क्या क्या कह रहा है ये? भाई साहब मामू मैं बताता हूँ आपको, मुझे लगता है कि अम्मी ने आपको ये बात ठीक से बताई नहीं। मैं समन से मोहब्बत करता हूँ, मैं और समन एक दूसरे को 4 साल से चाहते हैं और मैं शादी समन से ही करूँगा। लेकिन जो कुछ आप लोग चाहते हैं ना वो तो मेरे जीते जी हो नहीं सकता। बकवास बंद करो। ठीक है कर देता हूँ बकवास बंद, लेकिन होगा वो भी नहीं जो आप चाहते हैं। आखरा ये हमजा क्या कह के क्या गया ये? भाई साहब बच्चा है, नादानी में कह गया ये बात। आप नादानी में? वो इतनी बड़ी बात कह के चला गया और तुम कह रही हो नादानी में कह गया? और तुम ये जानती थी ना कि वो किसी और लड़की को पसंद करता है? उसके बाद ये सब कुछ जानते बूझते तुमने मुझे और मेरी बेटी को मजाक बना के रख दिया। नहीं भाई साहब, अरे मैं आप लोगों का मजाक क्यों बनाऊंगी? मेरी दिली ख्वाहिश है कि फरा मेरी बहू बने। बस बस देख ली तुम्हारी दिली ख्वाहिशात और मोहब्बतें। मेरी बेटी का, मेरी बेटी का दिल तोड़ा है तुम लोगों ने और मैं तुम लोगों को इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। और इस घर में वैसे भी रहने का कोई जवाब नहीं रह गया। और हाँ एक बात याद रखना, आज के बाद मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म समझो। क्या कह रहे हो आप? चलो बेटा। भाई साहब ये कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मेरी बात तो सुनिए भाई साहब, मेरी बात सुनिए आप। साईं बीना हर वक्त उसी मीरा के आगे पीछे घूमते रहते हैं, मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं जिसे वो कोई अनोखी माँ बन रही हो। मैं भी तो उन्हीं को बच्चा देने जा रही हूँ ना, पर नहीं मेरी रत्ती भर फिक्र नहीं, हर वक्त मीरा मीरा मीरा। क्या सोचा था और क्या हो गया? मैंने तो सोचा था साइम से शादी करके गाड़ी में घूमती रहूंगी, शॉपिंग करूंगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा कैद होकर रह गई। साइम को तो शायद कभी मेरा ख्याल आया ही ना, मुझे खुद ही साइम को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना होगा। मैं भी उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। बस बहुत हो गया साइम, जितना हक मीरा का है उतना हक मुझे भी मिलना चाहिए और मैं अपना हक वसूल करके रहूंगी। कैसे बयां करें लम्हे जो गुजरे, दिल के गमों से हम कैसे उभरे। मैंने ये जाना इश्क वो था बेगाना, मैंने ये ना पहचाना। मेरे खुदा कुछ रहा